नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय डबरा में आयोजित दिव्यांग शिविर में भारी अव्यवस्था, जिम्मेदार रहे नदारद। बिहार के बरौनी समस्तीपुर रेलखंड पर एक आशिक ने शादी से इनकार करने पर छात्रा को फेंका ट्रेन से, पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के परासिया पेट क्षेत्र की सेठिया खदान के कोल भंडारण में लगी आग, जहरीले गैस से ग्रामवासी परेशान। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद अब जिले के तकरीबन 90,000 लोगों को PDS यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक अपने आधार कार्ड का नंबर राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद जिले के लगभग 90,000 लोगों को 1 जुलाई से PDS का राशन नहीं मिल पा रहा है। धूर नक्सल प्रभावित और अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने ग्रामीणों को आधार कार्ड न बनवाने का फरमान जारी कर रखा है, जिसमें 40,000 से अधिक खौफजदा ग्रामीणों ने अब तक आधार कार्ड ही नहीं बनवाया है। जब ग्रामीणों के पास आधार कार्ड ही नहीं होगा तो वे राशन कार्ड से अपने आधार कार्ड का नंबर कैसे लिंक करवा पाएंगे? हम लोग के पास 486 कार्डधारी हैं, उसमें से 25 आधार कार्ड लाए हैं, लिंक मतलब लिंक हो चुका है और शेष बाकी ऐसी है, मतलब तो गांव वाले हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। गाँव वालों के पास आधार कार्ड नहीं है। हम लोग के पास ये आदेश आया है कि जिसके जितने भी राशन कार्ड हैं उसमें से जितना आधार कार्ड लिंक हो चुका है उन्हें देकर, तो 1 जुलाई में राशन आएगा तो उन्हें दे देंगे। उसके बाद जो शेष है, जो आधार कार्ड नहीं बना चुके हैं उन्हें देने के लिए नहीं बताया। बीजापुर ज़िले में 82% लोगों का आधार ऑलरेडी बन चुका है और 71% लोगों ने अपने कार्ड को लिंक किया है। अभी भी समय है और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि 30 तारीख तक अपने नज़दीकी राशन दुकान जाके अपने आधार को लिंक कराएं और 30 तारीख तक की सीमा है, 30 तारीख तक आधार को राशन कार्ड से लिंक करने से उनका राशन उनको यथावत मिल जाता है। आधार कार्ड बनाने के लिए ज़िले में 3 जगह पे सेंटर स्थापित है, कलेक्ट्रेट बीजापुर में, तहसील कार्यालय बैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में। इन स्थानों पे जाके अपना आधार कार्ड वो बना सकते हैं और आधार कार्ड बना के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय डबरा में आयोजित विकास खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर में भारी अव्यवस्था रही। बड़ी संख्या में दिव्यांगों को बुलाया गया था लेकिन उनके हिसाब से पेयजल समेत गर्मी से निपटने कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आलम यह रहा कि एक दिव्यांग बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मेन गेट पर ही कीचड़ था जिससे पार होकर दिव्यांगों को जाना पड़ा। दूसरे दिव्यांग भी घंटों परेशान होते रहे लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं था। जनप्रतिनिधि भी शिविर में उपस्थिति देने पहुंचे थे, दिव्यांगों को इनसे कोई भी सहयोग नहीं मिला। तो कहाँ है चेकअप देखवा रहा, कौन शिविर में देखवा रहा हूँ? अच्छा, कुछ सुधार हुई? और कुछ सुविधा मिला था तुम्हारा शासन से? कोई सुविधा नहीं मिला था। बिहार के गया मगध यूनिवर्सिटी में जैसे ही सीनेट की बैठक शुरू होने वाली थी उसी वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सहित कई छात्र संगठनों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस बीच छात्रों और कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों के बीच भी हाथापाई हुई। आक्रोशित छात्रों ने सीनेट की बैठक हॉल के बाहर से पथराव करना शुरू करने के बाद तैनात गया पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गया पुलिस ने यूनिवर्सिटी परिसर से सभी छात्रों को खदेड़ कर बाहर निकाला। वहीं छात्रों के द्वारा किए गए पथराव से कई पुलिसकर्मी और कॉलेज कर्मी घायल हो गए तथा कई वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। यूनिवर्सिटी में आज सीनेट की बैठक थी और पूर्व में कुछ विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है, उसको लेकर यहाँ पर बैठक था। उसको लेकर जो विद्यालयों के संचालक हैं उनके अंदर रोष था, उसको लेकर यहाँ पर आज पूर्व से ही विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्ति की गई थी। बैठक के प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात यहाँ पर लोगों द्वारा नारेबाजी की गई और उसके बाद भीड़ द्वारा आक्रोश में आकर यहाँ पत्थरबाजी और ईंट पत्थर चलाकर
बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और कुछ हमारे जवान घायल हुए। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार के बरौनी समस्तीपुर रेलखंड पर बुधवार सुबह एक आशिक ने शादी से इनकार करने पर छात्रा को ट्रेन से फेंक दिया। दलसिंह सराय स्टेशन के पास रेलखंड पर बेहोशी की हालत में किसी अज्ञात लड़की को देख स्थानीय लोगों ने रेल पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ लड़की का इलाज जारी है। अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद होश में आने पर लड़की ने अपना नाम काजल खातून बताया। लड़की ने बताया कि गांव के ही अजाबुल का बेटा अपने कुछ साथी के साथ 2 जुलाई को उसे कोचिंग जाने के दौरान शादी के लिए अपहरण कर लिया, जिसके बाद रुमाल में कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वह कोर्ट मैरिज के लिए ट्रेन में बैठा कर कहीं ले जा रहा था। इसी दौरान उसने लड़की को ट्रेन से फेंक दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का दैहिक शोषण करने के मामले में आरोपी विनोद लहरे नामक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला सख्ती थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है, जहां 1.5 माह पहले नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार के घर ढोड़की गई हुई थी। यहाँ युवक विनोद लहरे ने उसे शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में युवक ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने सख्ती थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में पीड़िता जो है दिनांक 3/5/17 को अपने मामा के यहाँ ग्राम ढोड़की आई हुई थी और वहाँ पर उसी शादी में आरोपी विनोद कुमार लहरे गया था, जहाँ इनका मुलाकात दोनों का हुआ और ये शादी बालिग होने पर शादी का झांसा देकर उनसे शादी करूँगा, तुमको बहुत चाहता हूँ, उनसे शादी करूँगा, ऐसा कहकर बहला फुसला कर उनसे बातचीत हुआ। और जब एक सप्ताह बाद शादी से वापस अपने घर आई तो बीच इनका आना उनसे शुरू हो गया और आकर और शादी की झांसा देकर उसी गांव में इनको अकेले में बुला करके इनके साथ दैहिक शोषण किया। और जब इनसे इनको बाद में जब दिनांक 2/5/27 को लड़की को बोला गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुमको जो करना हो सो कर लो कहकर और ये घटना के बारे में किसी को अगर बताओ कि तुमको जान से मारकर ख़त्म कर दूंगा, ऐसा धमकी दिए जाने पर पीड़िता अपने माँ पिताजी और परिवार के सदस्यों को बताया तो उन्होंने अपने पिता के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना आया, जिस पर अपराध 376/506 IPC 4 PASCO के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही दूसरे दिन गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बिहार के गया में महिला को डायन का आरोप लगाकर पहले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया और उसके बाद महिला का बाल काट दिया गया। यही नहीं बल्कि उस पर केरोसिन तेल छिड़का गया और जलाने का प्रयास किया गया। मामला प्रकाश में नहीं आए इसके लिए उसे 4 दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा गया। इस पूरे माजरे को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वहीं मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो आनन फानन में महिला को बंधक बनाए हुए घर से रिहा किया गया और महिला थाने में रखा गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके रिश्तेदार में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका आरोप महिला पर लगाया गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुस्लिम मियां ने बुझे नहीं दिए, अब बोध गया के बाद खिरियामा पड़ता है, वहाँ से हम लोग की गाड़ी पर लाया और जहाँ ITI पॉलिटेक्निक पड़ता है वहाँ से सारा आदमी पकड़ ले, हमारा पति को अलग पकड़ के लाए, लेडीज लोग हमारा अलग पकड़ के लाए, मर्दाना को अलग बांध दिए और बच्चा छोटे छोटे हमारा 4 गोरा इस घर में रहे, मर्दाना के अलग बांध दी हमारा, बांध छान के ले गया इमली तरफ मैदान के तरफ और मैदान के तरफ पूरा मारे जैसे तैसे मार चूर के सभी, अब बस अस्तूरा लगा के कैंची लगा के और सब टकला कर दी, साड़ी खोल के लहंगा बना दी, हम लोग फर्स्ट पड़ गए, मट्टी के तेल उछल दी, तिल्ली मार के लहरा दी। क्या बोल करके डाला कि जान बोला? हाँ, हमारा लड़का को तुमने जान मारा है,
मेरा लड़का को तुम बचाओ। हम कहे हम कुछ नहीं जानते हैं, जाना है तो आओ समझिए आओ बुझिए। डायन भी बोला हाँ आओ समझिए क्या बोला आओ बुझिए कि तुम डायन हो खा गयो है हमारा लड़का को। कौन लोग हैं? वही मुस्लिम मियाँ, मुस्लिम मियाँ के बीवी नजमा खातून, ओहिदनी खातून, ओकीला खातून, ईसा भाई रुकसाम रेहाना खातून, फरजाना खातून, यही सब है। हाँ मैं बीवी के साथ, मेरे बीवी के साथ ये किया कि पकड़ के हमको पकड़ लिया इधर और हमको किनारे कर दिया, इसको पकड़ के खींच के बांध छान के लेके जाके इमली तक कब्रिस्तान के पास जाके उसको कैंची लगा के बाल चला दिया, अस्तूरा चला दिया, बाल मुड़ दिया, उसके बाद किरासन तेल छिट के और तिल्ली लगाने के लिए माचिस मार के फेंक दिया और उसके बाद पीछे जसन हटी और तिल्ली नीचे गिर गया और अपना जान बचा के फिर वहाँ से निकले। कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? कितना दिन आपको बंधक बना के रखा हम लोग? 4 दिन बंद करके रखा हम लोग घर से। तो कैसे आप लोग वहाँ से छूटे हैं? हाँ प्रशासन गया 10 बजे रात में, उसको मालूम हुआ, वीडियो कैमरा कर रही सुन लोग, तो वीडियो कैमरा में सब लोग देखें और वीडियो कैमरा से देख के फिर प्रशासन मेरे पास अपने आप खुद आया 10 बजे रात में। फिर उसके बाद हम लोग दोनों मियाँ बीवी को लेके गए। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है रूढ़िवाद के चलते, तो जैसे ही सूचना मिली तो विष्णुपद थाना जो है उनको एक्टिवेट करते हुए महिला को ट्रेस करने का काम दिया गया। विष्णुपद थाना द्वारा महिला को लोकेट किया गया और उनको जो है थाना पर लाया गया और FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें महिला ने 20 लोगों के विरुद्ध नेम्ड FIR किया है। ये 20 लोग जो हैं इनमें से कई लोग महिला जो हैं इनके परिजन ही हैं। आगे जो है छापामारी और पकड़ दगड़ की कार्रवाई चल रही है। एक स्पेशल टीम जो है वो उसका CT DSP साहब के नेतृत्व में उसको बना दिया गया है। झारखंड के कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित महेशपुर पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक छोटी बच्ची की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। बच्ची की पहचान काली मंडा निवासी संजीत मेहता की पुत्री मनीषा कुमारी के रूप में किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मनीषा कुमारी सड़क पार कर रही थी कि कोडरमा की तरफ से तेज गति से आ रही एक बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बच्ची की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आक्रोशित लोगों ने कोडरमा जमुआ मुख्य पथ को जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों को बरेसर थाना क्षेत्र के कटारिया मोड़ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर गाजीपुर के विभिन्न थानों में संगीन अपराधों के कई केस दर्ज हैं। पिछले कई दिनों से इन बदमाशों ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के कई व्यापारियों को फोन कर धमकी देकर रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद से पुलिस इन्हें तलाश रही थी। मोहम्मदाबाद में कुछ समय से हमारे पास सूचना आ रही थी कि वहाँ के व्यापारियों को कुछ अराजक तत्व फोन करके रंगदारी मांग रहे हैं। इसमें एक सुनार जो थे उनके से 5 लाख रुपया मांगा गया। इनमें से एक व्यक्ति गैस एजेंसी के एक मालिक उनसे मांगा गया। इनफैक्ट में एक दिन ये भी हुआ कि जब वो लोग इस चीज़ को नहीं दे रहे थे पैसा उनको, तो जो इमिस्क्रियंट है बदमाश इनके घर के सामने गोली चला के चले गए। जब ये गोली चला के चले गए तब व्यापार समाज के लोग हमारे पास आए, उन्हें कैसी घटना हुई, तो उसको तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा लिखा गया और पूरे थाने के फोर्स, थाने के SO मोहम्मदाबाद, SO बरेसर, SO फिर हमारी सर्वेलेंस टीम, ये सब इसके पीछे लग गए। और मेहनत के बाद जब वो 3 व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और एक जो है वो फरार रहने में समर्थ है, उसको हम गिरफ्तार करेंगे जल्द से जल्द। बिहार के समस्तीपुर में मंगलवार की शाम से लापता युवक का शव गुरुवार की सुबह युवक के घर के पीछे आम के पेड़ में फंदे में झूलता हुआ मिला। मामला बंगरा NH 28 थाना क्षेत्र के सरसोना गांव का है। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि युवक मंगलवार की संध्या 4 बजे अपने घर से किसी काम से निकला। जब बहुत देर तक नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। सुबह जब मृतक युवक की पत्नी शौच के लिए घर के पीछे गई तो आम के पेड़ पर फंदे में युवक का शव झूलता हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि युवक ने 2 शादी किया था। पहली शादी जिससे किया उस लड़की को छोड़ दिया और फिर दूसरी शादी लव मैरिज किया पहली पत्नी से, जिसको लेकर विवाद काफी बढ़ा हुआ था। लोगों को आशंका है कि मौत के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं। शव मिलने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है।
एक सरसौना गांव में लाश सुने कि लाश टंगा हुआ है गाछी में, तो हम लोग गए और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए आए। 4 बजे में वो घर से निकला और एक दो घंटा उसको आशा पैरा ताका गया। उसके बाद जो है से 6:30 बजे से फ़ोन धराने के शुरू किया गया, तो मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद लोग खोज में निकला, कहीं नहीं पता चला, पता नहीं कहीं चला। उसके बाद जो है से कि 5 बजे में सुबह में उसका पत्नी गई निकास के लिए गाछी में, तो गाछी में वो आम के पेड़ जो था उसमें बांध करके लटकाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कानून व्यवस्था का माला जपने वाले भाजपाइयों का दावा उस समय खोखला साबित हुआ जब भाजपा विधायक कमलेश शुक्ला ने अपने दबंगों के बल पर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। शुक्र है कि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत करवाया। इस संदर्भ में कोतवाली में अग्रवाल स्वीट्स के प्रोपराइटर रिंकू अग्रवाल ने तहरीर दिया कि महुआ बाग स्थित एक बंगले में भाजपा विधायक कमलेश शुक्ला व उनके रिश्तेदार विजय तिवारी और प्रमोद तिवारी व कुछ हथियारबंद अज्ञात लोग आए और गेट का ताला तोड़कर जबरदस्ती कब्जा करना चाहा। इस पर हमारे चौकीदार व कर्मचारियों ने विरोध किया तो उनको भी मारने पीटने लगे। हम जब वहाँ गए गेट पे ताला, जो मौसी की पत्नी रहती है उनसे बोले कि ये ताला कौन मारा, बोली है कि हमको कुछ पता नहीं है। हम उनसे बोले कि ताला के लिए, तब तक 5-7 गाड़ी वहाँ पे आई और वहाँ एक अंदर आदमी था, वहाँ करके ताला खोला। ये सब लोग मतलब उसमें अंदर घुस गए और साथ में सब लोग ताला तोड़ने लगे। उसमें जो मौसू था वो भी ताला तोड़ रहा था। उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जब सब स्टाफ गए चलिए नीचे चलिए नहीं आ रहे थे था भाई में, तब ये जो विधायक जी का गार्ड है वो लाला सर को मतलब बंदूक डाल दिया ना, करवाई बोला भैया। और उसके बाद मैं जब बोला कि कैसे ठोक दोगे, उसकी कार्रवाई से लग पूरा भैया। मामला ये हुआ कि वो मकान में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, लीज एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, मैं कब्जा जो इनके लड़कों ने आकर इसके लड़के आकर के मुझे किए थे। और आज ये लोग 11:30 करीब जबरन गिरोह बना के आए हैं और आकर के मेरे स्टाफ को जैसे ताला वाला तोड़ने लगे। मेरा एक स्टाफ मौके पर था जिसका नाम संजीत है, जो बीबीपुर का रहने वाला है। तो विधायक जी भी थे, पीके तिवारी, विजय तिवारी और एक विधायक जी, और बाकी 20-25 लड़के जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। ये लोग ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने लगे, जबकि मेरा हर कमरे में सामान दुकान का रखा हुआ है। इस पर मेरा जब लड़का रोकने का प्रयास किया तो विधायक के गनर ने उसको कार्बाइन से मार दिया, जिससे कि उसका हाथ फट गया। वो संदीप अग्रवाल का है ही नहीं, तो संदीप अग्रवाल कहाँ से हो सकता। नाम तो कोई, हम कोतवाली में नाम लिख रहे अपना, तो कोतवाली थोड़ी ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। मैं किसी को नहीं भेजा। मामला क्या हुआ, वो लोग आए मेरा मारे पीटे, मेरा इधर सब टूट गया, ये देखिए मेरा चश्मा टूट गया और मैं चल नहीं सकता। हमको धक्का देकर मारा गया, सीढ़ी से धक्का दे दिया गया, मैं चल नहीं सकता। मध्य प्रदेश के परासिया पेच क्षेत्र की सेठिया ओपन कास्ट खदान में पिछले कई दिनों से कोयले के भंडारण में आग लगी हुई है। प्रबंधन के अधिकारी पानी छिड़काव कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझ पा रही है, जिसके कारण काफी मात्रा में कोयला जल रहा है और बेकोली को नुकसान हो रहा है। खदान के प्रबंधक यूके मेहता ने बताया कि वर्तमान में करीब 1,00,000 टन से अधिक का कोयला पड़ा हुआ है, जिसमें धीरे धीरे करके आग बढ़ गई है क्योंकि कोयला सप्लाई में देरी हो रही है, जिसके कारण भंडारण बढ़ रहा है। बिहार के औरंगाबाद में आद्रा नक्षत्र समापन की ओर है और मॉनसून अभी भी किसानों के लिए खुशी का पैगाम लेकर नहीं आ पाई है। बावजूद इसके किसान अपनी संसाधनों से बिचड़े को तैयार कर धान की रोपनी शुरू कर दी है। सदर प्रखंड के पोइवा गांव में बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं पोइवा पंचायत के पूर्व मुखिया कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने प्रखंड में पहली रोपनी की शुरुआत की। पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि इस गाँव में सदियों से प्रखंड में सबसे पहले रोपनी करने की परंपरा आ रही है और आज उसी का अनुपालन करते हुए रोपनी की शुरुआत की गई। लागत के बराबर मूल्य भी नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए खेती के लागत मूल्य के दोगुना जो घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, उसको लागू किया जाए। बिना नहर के पानी आए हम लोग डीजल चला करके धान की रोपनी का शुरुआत किए हैं।
इस उम्मीद पर कि हो सकता है भगवान बारिश दे और नॉर्थ पोल का पानी आवे। देवशनी एकादशी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के रतनपुर पंडरीनाथ मंदिर में डांडी यात्रा निकाली गई। डांडी यात्रा रतनपुर बड़ी बाजार से होते हुए बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंची, जहां शिवजी की पूजा अर्चना के पश्चात यात्रा बनियापारा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर होते हुए हाथी किला पहुंची। हाथी में भगवान जगन्नाथ की पूजा कर भगवान जगन्नाथ की आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। बिहार के समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 72वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी जाहिर किया, साथ ही संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान जी का 72वां जन्मदिन मनाया गया है, जिसमें तमाम हम लोजपा कार्यकर्ता उनके दीर्घ आयु का कामना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में संगठन लोजपा के संगठन को मजबूत करने का भी बधाई देते हैं। INN24 पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।